अपनी वालदा को है, मांझे को है, मामा मामी है, उपो है, सारे यही पिंस या रेमनेंट्स मिले हैं उनसे एस्टेब्लिश हो रहा है कि इट्स ग्रेनेड। किया किसने है इसके बारे में हम अभी कुछ हतमी ओपिनियन दे नहीं सकते। कराची के इलाके मवाजकोट के करीब मिनी ट्रक में धमाके की वजूहात का ताहाल पता ना चलाया जा सका, ना ही मुकदमा दर्ज हुआ। दहशतगर्दी के वाकये में एक ही खानदान के 13 अफराद जांबहक और 7 जख्मी हो गए। जांबहक अफराद में 7 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाला खानदान लांडी शेरपाव कॉलोनी से किराए पर मिनी ट्रक लेकर शादी में शिरकत के लिए आया था। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब का कहना है कि हमले में दस्ती बम इस्तेमाल किया गया। इंचार्ज CDD के मुताबिक मुलजमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। धमाके के मकाम से दस्ती बम का लिवर और टुकड़े मिले। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि धमाके में जांबहक अफराद में जमात इस्लामी के रहनुमा मिराज खान स्वाती की अहलिया और खानदान के दीगर अफराद शामिल है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा यह दहशतगर्दी का वाकया है। मिराज स्वाती के बेटे मोहम्मद जहांजेब ने बताया उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, वाकये में उनका पूरा खानदान उजड़ गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि कराची में TLP के खिलाफ ऑपरेशन होता है, 3 घंटों में हजारों ट्वीट्स हो जाती हैं। कहा कि अमरीका ने अफगानिस्तान से वापसी का फैसला हमसे पूछा नहीं किया। 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर फलसफा नहीं, सामने मौजूद हकीकत है। अमरीका आज दुनिया की सुपर पावर इसलिए है कि इसके हमसाए में अमन है। पाकिस्तान की एक जानब भारत और दूसरी जानब अफगानिस्तान है। हमें अपने जमीनी हकायक के मुताबिक फैसले करना होते हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगानिस्तान में गैर मामूली हालात के बायस तोरखम सरहद बंद कर दी गई। जियो न्यूज से गुफ्तगू में यह भी कहा कि सरहद उस वक्त बंद कर दी गई थी जब अफगान पुलिस ने तालिबान के सामने हथियार डाले। इस वक्त अफगानिस्तान की जानिब से तोरखम सरहद पर तालिबान का कब्जा है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत हिला दी। जलालाबाद समेत तमाम अहम शहरों पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत का घेराव शुरू कर दिया। अफगान हुकूमत काबुल तक महदूद। तालिबान ने उज़्बेक सरहद के करीब आखिरी बड़े शहर मजार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान अपने पहले दौर में मजार शरीफ पर काबिज नहीं हो सके थे। पाकिस्तानी सरहद के साथ 2 अहम सूबों पख्तिया पक्केका सूबे फारियाब और कुन्नड़ भी अफगान हुकूमत के हाथ से निकल गए। तालिबान अब तक 34 में से 25 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके। बरतानवी मीडिया के मुताबिक काबुल कई घंटों तक तारीकी में डूबा रहा, वजह सामने ना आ सकी। कौम से खिताब में अफगान सदर अशरफ गनी का इस्तीफे पर बात करने से गुरेज। कौम को दिलासा दिया कि फौज को मुतहरिक कर रहे हैं। काबुल के सिफारत खाने से अमला निकालना शुरू कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि दोहा में मौजूद तालिबान क्यादत को खबरदार कर दिया गया है कि अमरीकी मिशन को खतरे में डाला गया तो फौरी और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान से फौज वापसी के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि 4 अमरीकी सुदूर के दौर में हमारी फौज अफगानिस्तान में मौजूद रही, लेकिन वो अब इस जंग को 5वें सदर तक मुंतकिल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से अमरीका के इनकलाब पर बरतानिया में भी तनकीद शिद्दत इख्तियार कर गई। साबिक बरतानवी जनरल सर रिचर्ड बैरन्स का कहना है कि ज्वाइंट फोर्सेस कमांड ने अफगानिस्तान का मुस्तकबिल बेच दिया। मरहूम अफगान रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सियासी इस्तेहकाम सलामती के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तालिबान बंदूक के जोर पर नजरियात मुसलत ना करें तो उनसे मुजाकरात को तैयार है।
ترجمان افغان طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہا پہلے بھی معافی دی ایک بار پھر دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور قوم و ملک کی خدمت کریں سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ اسلامی امارات افغانستان کے دروازے ان تمام افراد کے لیے کھلے ہیں جنہوں نے حملہ آوروں کی مدد کی اسلامی امارات افغانستان کے دروازے کرپٹ کابل انتظامیہ کے ساتھ کھڑے افراد کے لیے بھی کھلے ہیں افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کا کہنا ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے ویزے اور کونسلر سروسز میں توسیع کی جا رہی ہے ویزا سروسز بغیر رقم وصول کیے دی جا رہی ہیں اضافی پروازوں کے معاملے پر پی آئی اے اور حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں غیر ملکی مشنز اور میڈیا اداروں کے عملے کو پاکستان منتقلی کی درخواست پر سہولت فراہم کر رہے ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ہٹیاں بالا آزاد کشمیر چناری چکوٹی لیپا ویلی شکار ویلی میں موسلا دھار بارش اسلام آباد میں بھی صبح سویرے بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا وسطی پنجاب خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا پنجاب میں کرونا کے کیسز میں مسلسل اضافہ کرونا مثبت کیسز کی شرح تقریباً 5% لاہور اور راولپنڈی میں تقریباً 8% رہی کراچی میں شرح 14.5% رہی خیبر پختونخوا میں 7 پشاور میں 14% رہی این سی او سی کے مطابق پاکستان میں مثبت کیسز کی شرح تقریباً 7% رہی کرونا وائرس سے مزید 67 افراد انتقال کر گئے سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم قتل کیس کی تحقیقات جاری پولیس نے اسلام آباد کے بحالی مرکز کے مالک سمیت مزید 6 افراد کو گرفتار کر لیا آج عدالت میں پیش کیا جائے گا لاہور میں ماڈل نایاب کا مبینہ قاتل گرفتار پولیس کے مطابق سوتیلے بھائی نے نایاب کو غیرت کے نام پر قتل کیا ملزم نے تکرار کے بعد تشدد کر کے بہن کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ واردات کی جگہ سے ملنے والے شواہد سے قاتل تک پہنچے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھنے کا امکان اوگرا کی ڈیزل 2.5 روپے مہنگا کرنے اور پیٹرول کی قیمت میں 50 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں بھارت کے یوم آزادی پر آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال آزاد کشمیر میں بھی احتجاج مظفرآباد کے آزادی چوک پر سیاہ جھنڈے لہرائے گئے گھڑی چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی صدر مملکت عارف علوی 3 روزہ دورے پر استنبول پہنچ گئے صدر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کریں گے دونوں صدور پاک بحریہ کے لیے ترکی کی جانب سے تیار پہلی مالجن کلاس کا افتتاح بھی کریں گے ٹویٹر پر پاکستان کے خلاف ٹرینڈ جعلی اکاؤنٹس سے چلائے جانے کا انکشاف پاکستان کے خلاف ٹویٹر پر 80% جعلی اکاؤنٹس کا استعمال کر کے سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ چلایا گیا ریسرچ کمپنی کے مطابق 4 جعلی اکاؤنٹس سے یہ ٹرینڈ جون میں شروع کیا گیا جسے جعلی اکاؤنٹس سے متعلقہ 23 اکاؤنٹس نے آگے بڑھایا یکم سے 8 اگست تک 2 لاکھ ٹویٹس کیے گئے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جمعہ کا ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل تیسرے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 5 وکٹ پر 160 رنز بنا لیے ویسٹ انڈیز پر 124 رنز کی برتری حاصل کپتان بابر اعظم 54 اور فہیم اشرف 12 رنز کے ساتھ کریز پر موجود اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 253 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی کھٹھا میں قبرستان میں دفن لڑکی کی لاش کو نکال کر مبینہ بے حرمتی پولیس کے مطابق گاؤں حاجی چانڈیوں کی رہائشی خاتون کی تدفین گزشتہ روز کی گئی تھی مبینہ طور پر نامعلوم افراد بے حرمتی کر کے لاش کھیتوں میں پھینک کر فرار ہو گئے
मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में नाजेबा वीडियो से ब्लैकमेल होने के बाद मुबैना तौर पर कत्ल किए जाने वाले 16 साल लड़के के केस में पेशरफ्त। FIA ने 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, मुकदमा दर्ज, 6 अफराद नामजद। बन्नू वेमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल में जचकी के दौरान खातून की मौत के मामले में गफलत साबित होने पर अस्पताल की 4 लेडी डॉक्टर्स मुलाजमत से बरतरफ। एडिशनल डायरेक्टर अस्पताल की खिदमात महकमे सेहत को वापस कर दी गई। 8 अगस्त को बन्नू की रिहायशी खातून अस्पताल में बर वक्त तिबी इमदाद न मिलने पर इंतकाल कर गई थी। कराची में मौसम गर्मा के दौरान पीने के पानी के बहरान में शिद्दत आ गई। कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई बंद, लोग पानी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। मुल्तान की 19 साल मारिया खालिद लड़कियों के लिए मिसाल बन गई। वालिद का हाथ बटाने के लिए पेंटर बन गई। कहती हैं घर वालों का सहारा बनने के लिए ये काम सीखा, उनके वालिद की भरपूर मदद हासिल है। पाकिस्तान में बने स्मार्टफोन्स की बरामदात का आगाज हो गया। मुशीर तिजारत अब्दुल रजाक दाऊद का ऐलान, कहा पाकिस्तान में बने 4G स्मार्टफोन्स की पहली खेप UAE बरामद की है। ये रिवायती एशिया से हटकर वैल्यू एडेड मसनूआत की बरामदात की शुरुआत है। बरामदात में पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। शिमाली अमरीका के मुल्क हेटी में 7 शिद्दत का जलजला, 300 से ज्यादा अफराद हलाक, 1800 जख्मी हुए, कई इमारतें मलबे का ढेर हो गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी, क्यूबा और जमैका में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। तुर्की में आग के बाद सैलाब से तबाही, शिमाली इलाकों में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से कम 55 अफराद जांबहक हो गए। तुर्की के जंगलात में लगी आग बुझाने के लिए जाने वाला रूसी जहाज भी गिरकर तबाह हो गया। जहाज में मौजूद 5 रूसी और 3 तुर्की के अहलकार जान की बाजी हार गए। हादसे में सदर पुतिन का तुर्क हमनसब से इजहार अफसोस। शिमाली लबनान में ऑयल टैंकर में धमाका, 20 अफराद हलाक, वाकई में 7 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब में रिहाइश रखने वाले गैर मुल्की अब एक जायदाद खरीद सकेंगे। सऊदी अरब में कानूनी तौर पर रहने वाले जमीन खरीदने का सबूत देकर जायदाद अपने नाम रख सकेंगे। मरियम नवाज साहबा, डाकू रानी कह रहा हूँ, तो ये मैं नहीं कह रहा, हमारी अदालतें कह रही हैं। किस अदालत ने उनको डाकू रानी कहा? डाकू रानी नहीं कहा, डाकू रानी तो मैं कह रहा हूँ। ये लहजा इस्तेमाल करना मुनासिब है बिल्लू रानी? मैं हालात और वाकियात को देखे, अदाओं को देखे, हरकत को देखे। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अदालती फैसलों की बुनियाद पर वो मरियम सफदर को डाकू रानी कहते हैं। बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी उनकी अदाओं की वजह से कहा। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में ये भी कहा कि इस्लामाबाद में धरने के दौरान पुलिस को मिलने वाली बोतल का उन्हें इल्म नहीं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के साथ प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर जियो न्यूज पर नशर किया जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग का पहला एलिमिनेटर मीरपुर रॉयल्स और ओवरसीज वॉरियर्स के दरमियान आज खेला जाएगा। जो हारा इवेंट से बाहर, जो जीता उसे रावला कोर्ट से मुकाबला करना होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। De 2-0 van Christian Pulisic. इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी और लिवरपूल का शानदार आगाज। मोहम्मद सलाह के बेहतरीन खेल की बदौलत लिवरपूल ने 3 गोल से कामयाबी हासिल की। चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड की लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ 1 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी। See you.
वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।